Yes, you heard that right. 90 days communication plan. क्या करना है, कैसे करना है, you will get to know in this video. I'll be sharing this Excel sheet with you, जिसकी मदद से आप अपना जो 90 days का plan है वो follow कर पाएंगे. ये sheet मैं आपसे share करूंगा, लेकिन आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरीके से sheet को use करने वाले हैं. अगर नहीं समझोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा. करना क्या है, पहले जो नेक्स्ट 90 डेज हैं वो हमने प्लान कर लिए, तो मैंने अक्टूबर से शुरू करा है. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी डे विच वर्क्स विद यू. पहले 10 दिन क्या करना है, सेल्फ असेसमेंट करना है. अधिकतर लोग क्या कहते हैं, बस आज से ही कुछ लर्न करना शुरू कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, विदाउट नोइंग कि करना क्या है. सेल्फ असेसमेंट डे वन पे अपने सबसे करीबी दोस्त से पूछो, उसको फोन मिलाओ, उससे मिलो, जो भी करना हो करो, और उससे पूछो कि यार ऑनेस्टली बताना, वेयर इज इट दैट आई नीड टू इम्प्रूव इन टर्म्स ऑफ माय कम्युनिकेशन स्किल्स. वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां तुझे लगता है कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए. बिंदास बात करो, ओपनली बात करो, एंड जॉट इट डाउन वट एवर द पर्सन सेज. ठीक है, ऐसे दो दोस्त ढूंढो. फर्स्ट डे एक दोस्त, सेकेंड डे दूसरा दोस्त. ठीक है, डे थ्री पे आस्क योर सीनियर, चाहे आपका कोई ऑफिस में सीनियर हो, कोई बॉस हो, कोई मैनेजर हो, आपके टीचर हो, प्रोफेसर हो, एनीवन, उनसे पूछिए कि आपके हिसाब से व्हाट डू यू थिंक दैट आई नीड टू वर्क ऑन इन स्पेसिफिक. चाहे आपकी वॉइस हो, एक्सप्रेशंस हो, बॉडी लैंग्वेज हो, स्टोरी टेलिंग हो, एक्टिव लिसनिंग स्किल्स हो, वट एवर इट बी, वो क्या कहते हैं आपके बारे में कि योर प्रोनंसिएशन इज़ नॉट देयर, योर क्लैरिटी इज़ नॉट देयर, या फिर सेंटेंस फॉर्मेशन में दिक्कत है. जो भी वो कह रहे हैं, अपनी ईगो को साइड रख के एक अच्छा श्रोता बन के सुन के लिखना है आपको. ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट टू डेज तक फाइंड योर सीनियर्स और उनके पॉइंटर्स को लिखिए. थर्ड, जो अपने फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, उनसे पूछो कि उन्हें क्या लगता है कि आपके कम्युनिकेशन स्टाइल में क्या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है. फाइंड योर फैमिली मेम्बर्स, मे बी योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, हूएवर दे आर. अगर वो घर पे नहीं है तो जूम कॉल करो, व्हाट्सएप कॉल करो, जो भी वर्क करे करो. ठीक है, और इसके साथ साथ जो आपके सबसे परम मित्र हैं, यानी आप खुद, उनसे पूछिए कि यार वेयर डू आई नीड टू इम्प्रूव. अगले 4 दिन अपने आप को दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है. मैंने क्या किया था, मैंने YouTube पे कुछ वीडियोस देखी जो मुझसे अच्छे स्पीकर्स हैं, मैंने उनको सुना, जो बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं उनको सुना, उनको देखा, उनको ऑब्जर्व किया कि ये कैसे बोल रहे हैं, अच्छा ये पार्ट बड़ा अच्छा है इनका, मुझे ये चीज़ अपने अंदर लेके आनी है. मैंने लिख लिया, हो सके तो अपने सारे एक्सपीरियंसेस को याद करो, जब जब आपको मौका लगा था स्टेज पे जाने का, लोगों के सामने बात करने का, आपको कहाँ पे हिचक हुई थी, कहाँ पे संकोच हुआ था, कहाँ पे आप अच्छे से बोल पाए थे, जस्ट रिमेंबर ऑल दोज मोमेंट्स एंड जॉट इट डाउन कि कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूव करने की गुंजाइश है, और इस शीट को भरते जाओ. तो जैसे हो सकता है कि फेशियल एक्सप्रेशंस आपके काफ़ी अच्छे हैं, तो किसी ने आपको बोला कि यार यू नो यू हैव वेरी गुड वॉइस टेक्सचर, वो आपकी स्ट्रेंथ हो गई, अच्छी बात है. लोगों से पूछो कि क्या लगता है कि मेरे अंदर क्या इम्प्रूवमेंट एरियाज़ हैं और मेरी क्या स्ट्रेंथ है. किसी ने बोला यार कि यू आर क्वाइट हेसिटेंट इन स्पीकिंग इन इंग्लिश, मुझे मैंने ऑब्जर्व किया कि जब भी तुम बात करते हो ना अंग्रेज़ी में तो थोड़ा सा संकोच करते हो. कम्प्लीटली फाइन, ज़्यादा ऊँ आँ कुछ नहीं करना है, जस्ट लिसन टू द पर्सन एंड मेक अ नोट ऑफ इट, एंड यू ऑल्सो राइट योर इम्प्रूवमेंट एरियाज़ की हाँ मुझे इन सभी लोगों से पता चला, मुझे खुद से बात करने पर यह पता चला कि मेरे ये इम्प्रूवमेंट एरियाज़ हैं. आई समझ, इट्स मोर लाइक अ मॉक टेस्ट. ऐसे मान लो कि जब हम कभी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, वी टेक अ मॉक टेस्ट कि हम लोग कितने पानी में हैं और हमें किन किन चीज़ों पर फोकस करना है. ऐसा नहीं है कि बस किताब उठा ली और पहले चैप्टर से पढ़ना शुरू कर दिया. समझ, उसके बाद जब ये आपके फर्स्ट 10 डेज पूरे हो जाए, अगले 10 दिन क्या करना है, यू हैव टू गो फॉर अ डेली रीडिंग हैबिट. ये बहुत जरूरी है, बुक्स टू रीड. कौन कौन सी किताबें पढ़ोगे, ये नहीं कह रहा हूं कि एक दिन में पूरी किताब फिनिश कर दो, लेकिन पिक अप वेरियस बुक्स,
अगर आपके पास घर में किताबें नहीं हैं तो ऑर्डर कर सकते हो, अगर वो भी नहीं करना है तो ऑनलाइन जाके आपको कोई ना कोई PDF फाइल्स मिल जाएंगी उन किताबों की, वो रेफर कर सकते हो। जस्ट 10 से 15 मिनट दिन के देने हैं, दैट्स इट। डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे किताबें पढ़ो। और इससे क्या फ़ायदा होगा, किताब पढ़ने से आपको सेंटेंस फॉर्मेशन, वर्ड्स कैसे यूज़ करने हैं, स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश होता है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप चाहे कितने अच्छे स्पीकर हो, रीडिंग विल ऑलवेज हेल्प यू इन बिकमिंग अ बेटर कम्युनिकेटर। आई बात समझ? इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप रीड कर रहे होंगे ना, सो रीड इट आउट लाउड। आपके पास 10 दिन है, मे बी स्टार्टिंग कुछ दिन आप सिर्फ लाइक पढ़ रहे हैं, कुछ दिन ऐसा भी करिए कि आप रीड इट आउट लाउड, मतलब जो भी आपके सामने टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को जोर जोर से पढ़ के बोलिए। इससे आपका जो उच्चारण है, जो आपकी क्लैरिटी ऑफ स्पीच है, जो प्रोनंसिएशन है, वो बेटर होने लगेगी। और हमने आपके लिए ये बना के दिया हुआ है कि जहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है कि अगर आपने किताब पढ़ी तो आपने बोला कि हाँ आई डिड फॉर 15 मिनट्स, अगर आपने किताब नहीं पढ़ी तो आपने बोला कि आई डिडंट डू एनीथिंग। लिखिए, ऑनेस्ट चीज़ करनी है कि सपोज किसी दिन आप बहुत बिजी थे, आपके पास लाइक वक्त नहीं था, ये सब बहाना होता है वैसे, लेकिन फिर भी अगर आपकी तबीयत खराब थी या जेन्युइनली कोई रीज़न था, तो यहाँ लिख सकते हो कि हाँ आज मैं नहीं कर पाया। तो इट्स लाइक ट्रैकर फॉर यू कि किस दिन आप पढ़ पाए, किस दिन आप नहीं पढ़ पाए। इन्हीं 10 दिनों में कुछ स्पीचेस हैं जो कि आप सुन भी सकते हो, अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एज अ बैकअप जो स्पीचेस हैं, काफ़ी अच्छे स्पीकर्स हैं, चाहे बराक ओबामा हो या फिर ओपरा विनफ्रे हो, ये बहुत सारे अच्छे स्पीकर्स हैं, उनको आप यूट्यूब पे जाके उनको सुनिए। जस्ट कुछ नहीं करना है, 15 मिनट, 10 से 15 मिनट तक उनको सुनना है, दैट्स इट। ठीक है, ये आपको करना है रिलीजियसली फॉर नेक्स्ट 10 डेज। आया समझ? सो आपके 20 दिन अब पूरे हो चुके हैं एंड यू आर डूइंग वेल। आगे बढ़ते हैं। अब आपको नेक्स्ट 10 डेज क्या करना है, एक्टिव लिसनिंग करनी है। क्या करना है इसमें, जो भी आपकी दिन में किसी से बात हुई हो, चाहे घर पे, चाहे ऑफिस में, चाहे अपने फ्रेंड सर्कल में, या आपने कोई न्यूज़ सुनी हो, देखी हो, पढ़ी हो, उसको आपको समराइज करना है एक पेज में। जो भी आपने सुना समझा उसको समराइज करना है, अपने शब्दों में लिखना है एक पेज पर कि मैंने क्या समझा। इससे आपको जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट, वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। ये बात बहुत कम लोगों को पता है, हम जब चीज़ों को लिखते हैं हम अपने प्रोसेस को बहुत रिफाइन कर पाते हैं। आवर थॉट प्रोसेस गेट्स रिफाइंड व्हेन वी राइट डाउन वट एवर इज ऑन आर माइंड। ठीक है, इसको आपको रिलीजियसली करना है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। आया समझ? अब बात करते हैं अगले महीने की, क्या करेंगे। 15 दिन का यू हैव टू टेक अ डेली स्पीकिंग चैलेंज। 15 टॉपिक्स पिक करो, कुछ भी ले सकते हो, एनी थिंग फ्रॉम योर लाइफ, एज बेसिक एज योर हॉबीज, योर इंटरेस्ट, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, लाइक स्पोर्ट्स, आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, एनी थिंग, आपका कोर सब्जेक्ट जो आप लाइक पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ भी जो आपकी लाइफ में चल रहा है, पिकअप 15 टॉपिक्स जिसके बारे में आप आसानी से बात कर सकते हो। और रोज़ाना अपने फ़ोन को उठा के रिकॉर्ड करिए कि आप कैसे बोल रहे हैं, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी सेल्फ डाउट के, बिंदास रिकॉर्ड करिए। और फिर ये लिखिए यहाँ पे कि आपने किया या नहीं किया। यहाँ पे हमने आपको एक और ड्रॉप डाउन दिया है कि आपने रिकॉर्ड किया या नहीं किया, प्रॉमिस। और साथ ही साथ ये भी लिखिएगा कि आपको कैसा लगा उस दिन जो आपने एक्टिविटी करी, आपको कैसा महसूस हुआ। डिड यू फील कॉन्फिडेंट? डिड यू फील बेटर दैट येस आई वॉज एबल टू फेस द कैमरा? डिड यू फील दैट येस आई वॉज एबल टू फॉर्म सेंटेंसेज एंड हैव अ स्ट्रक्चर इन माई हेड? कुछ भी हो सकता है, उस एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट करिए। आपको यकीन नहीं होगा, जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे ना, यू विल फील सो हैप्पी कि मैंने ये जर्नी ट्रैवल करी है, विच इज़ सो पावरफुल। आई समझ? अब अगले 15 दिन फोकस है बॉडी लैंग्वेज पे। आपको क्या करना है, आप
को फोकस करना है अपनी बॉडी लैंग्वेज पे कि आप कैसे बोल रहे हैं। जब आप खड़े हुए हैं, आपका बॉडी पोस्चर कैसा है, आपका आई कॉन्टैक्ट कैसा है, आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आप देख पा रहे होंगे ना अपनी वीडियो को। देखिए, चाहे शीशे के सामने खड़े हुए हों या फिर जब आप लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना शुरू करिए। अगले 15 दिन सिर्फ यही कोर फोकस एरिया है। वो कैसे बोल रहे हैं, वो क्या शब्द यूज कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। द फोकस इज हाउ समवन यूजेस देयर हैंड्स, हाउ समवन यूजेस देयर माइक्रो एक्सप्रेशन। चेक आउट ऑल द डिटेल्स एंड वर्क ऑन दैट, और डॉक्यूमेंट करना है कि किया या नहीं किया। करेंगे, ठीक है। मे बी आपने एक दिन सीखा हो कि ओके, आई हैव टू सिट स्ट्रेट। ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि ग्रेट स्पीकर्स और ग्रेट कम्युनिकेटर्स कीप अ चेक ऑन द वे दे सिट व्हाइल टॉकिंग टू समवन, मे बी इन एन इंटरव्यू। सो जो भी चीज़ें आपने ऑब्जर्व करी उसको आप लिखते जाएंगे। अब बात आती है आखिरी के एक महीने की। हम करेंगे सोशल इंटरेक्शन। क्या मतलब? आपको एक नई कॉन्वर्सेशन में इंगेज करना है विद अ स्ट्रेंजर। अब कैसे कर सकते हैं? आप घर से बाहर निकलते हैं, चाहे सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड हों या सड़क पर आपको बहुत कोई अनजान लोग मिलते हैं, चाहे रेलवे स्टेशन पे हों या बस स्टैंड पे हों या आपके ऑफिस में हों, बहुत सारी जगह आपको लोग मिलेंगे जिनको आप पहले कभी नहीं मिले हैं, कभी नहीं जानते हैं। उनसे आप बात करेंगे किसी भी विषय के बारे में जो आपका मन, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। डू टॉक टू वन न्यू पर्सन एवरी सिंगल डे। आपने पिछले कुछ हफ्तों में काफ़ी मेहनत कर ली है, काफ़ी प्रिपरेशन कर ली है, एंड नाउ यू आर लॉट मोर कॉन्फिडेंट टू फेस पीपल एंड टॉक टू देम। ये आपको करना है एवरी सिंगल डे। अब जैसे आपने अगर किया तो आपके ऑप्शन आएगा कि यस आई डिड इट, तो ग्रीन मार्क कर दीजिए। अगर आप किसी दिन नहीं कर पाए तो बोले कि नो डिड नॉट गेट इनफ करेज। हो सकता है कि आप किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी देर इज वन गाय हुम यू वांट टू स्पीक विद, इज वन गर्ल हुम यू विश टू स्पीक विद, एंड यू आर फीलिंग अ बिट हेसिटेंट। लिख लो कि हाउ डिड यू फील, क्या चल रहा था माइंड के अंदर। जस्ट ऑब्जर्व करना, जज नहीं करना है। जो भी फील हो रहा है उसे लिखते जाओ and share your experience over here. अब आती है आखिरी 15 दिन की बात, क्या करना है last 15 days में। जो हमने first few days में किया था वो हम करेंगे last 15 days में। Feedback loop. Ask for feedback from your family members, from your friends, from your mentors, and उनसे insights लीजिए कि क्या आपके अंदर कुछ बदलाव आया। जो आप पहले थे और जो आप आज हो, आप में बदलाव आया नहीं आया? उनसे पूछो कि डू यू थिंक दैट माई मैसेजेस एंड कॉन्वर्सेशंस आर नाउ ईजी टू अंडरस्टैंड। अब मैं आपको समझ आ रहा हूँ। पहले लोग कहते हैं यार तेरी बात समझ नहीं आती, अब आप लोगों को समझ आ रहे हो। उनसे पूछो कि डू यू थिंक आई एक्टिवली लिसन व्हेन यू आर टॉकिंग और डू आई सीम डिस्ट्रैक्टेड। पूछिए, Do you notice anything specific about my body language when we are talking, like eye contact or posture? उनसे पूछो ना ये चीज़, सभी तो बताएंगे वो कि हाँ यार notice तो किया, now you appear to be more confident, your posture is like much better. उनसे पूछो कि do I come across as confident when I speak or talk to anyone? दिल से हाँ यार, वक्त के साथ आप काफ़ी बदल चुके हो, and you have changed for good. And this will give you so much of confidence. Yes, finally, मैंने एक रास्ता चुना, मैंने उस पर वर्क किया। और आपने ऑब्जर्व किया होगा, ज़्यादा समय नहीं देना है आपको, दिन के सिर्फ कुछ मिनट देने हैं अपने लिए। सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए। बिकॉज व्हेन यू बिकम अ बेटर कम्युनिकेटर, यू नॉट जस्ट चेंज योर लाइफ, व्हेन यू डू वेल इन योर लाइफ, योर करियर, यू इवन चेंज your family's life. So if you're not doing it for yourself, do it for your family. You'll feel so happy and so blissful. Ek stutterer jo apna naam sahi se nahi bol pata tha, wo agar aapke samne aise bol ke inspire kar sakta hai, to in the next few months even you can inspire the world. Believe in yourself. Let the world say whatever they want to say.
बिलीव इन योर सेल्फ एंड फॉलो दिस एक्शन प्लान. ये एक्शन प्लान आपके लिए नीचे इन द कॉमेंट सेक्शन अवेलेबल होगा. डू चेक इट आउट एंड लेट मी नो योर थॉट्स ऑन इट कि आपको ये कितना हेल्पफुल लगा. आपको और किन टॉपिक्स पे मेरी तरफ से वीडियोस चाहिए. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू बिकम अ कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर. टिल देन स्टे ऑसम, स्टे प्रोडक्टिव.